हेलो बच्चों, मैं हूं गुलशन खान। आप देख रहे हैं स्टडी ग्रो चैनल। जैसे जानते हैं, सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। जैसे जानते हैं, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। इसीलिए अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो हमेशा सफल रहेंगे, क्योंकि जो मेहनत करता है उसको मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। चलिए बच्चों, हम आपके लिए कुछ लेकर के आए हैं स्पेशल वीडियो, लीनियर इक्वेशन, जो क्लास 6 to 8 वाले बच्चों को लिया गया है। ऐसे क्वेश्चनों को आज हम बड़ी आसानी से आपको बताने वाले हैं विद इन 2 सेकेंड। मतलब आप कैसे सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चन, आपके सामने ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को लगाने से अनजान रहते हैं, उसको जानते नहीं हैं, बोलते हैं कि मुझे आता नहीं। अगर आता नहीं है तो अपना हार्ड वर्क करो। अगर हार्ड वर्क करोगे तो सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। जैसे आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन में आपका जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है 8x इक्वल टू 20+3x, ये दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है 8x प्लस का, पहला क्वेश्चन दिया गया 8x इक्वल टू 20+3x। अब इसमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, x को x की तरफ पक्षांतर करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 8x प्लस में है, माइनस में हो जाएगा 3x आ जाएगा, इक्वल टू में उस तरफ क्या है 20। अब हम इसको सबट्रैक्ट करके लिखेंगे, 8x में से 3x को सबट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5x, 5x इक्वल टू में आ गया 20। अब x का जब मान निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा 20, और दो संख्याओं के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई चिन्ह होता है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ये डिवाइड हो गया। 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, x का मान जो आया है वो आ गया 4। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे बच्चों। अगर आपने वीडियो को देखा, कुछ समझ में आया हो तो मेरे चैनल पर लास्ट तक बने रहना। आज ऐसे वीडियो सीख कर, आज ऐसे सवाल को आप लगा कर सीख करके जाएंगे, ये मेरा वादा है। चलिए इसको हम रफ करते हैं। जैसा जानते हैं, मेरा क्वेश्चन दूसरा दिया गया है 8x यानी 8x माइनस का 11 माइनस का 5x प्लस का 3 सब 0 के इक्वल है। वो कौन सा x की वैल्यू है कि रख दिया जाए इसका मान क्या हो जाए 0। तो ऐसे क्वेश्चन पहले x को x से ऐड करना है, सेपरेट करना है, वो चिन्ह पर डिपेंड रहता है बेटा। तो ये माइनस का है तो इसलिए सेपरेट करना है, तो 8x में से 5x जाएगा तो 3x आ जाएगा। अब माइनस का 11 प्लस का 3 सेपरेट करेंगे तो 11 की संख्या ज़्यादा है, तो माइनस की संख्या ज़्यादा, सेपरेट करने पर माइनस का 8 आ गया, इक्वल टू में 0 आया। अब 3x माइनस में है, ट्रांसपोज करने पर प्लस में हो जाता है, क्योंकि बताया गया था साइन में माइनस पक्षांतर करने पर प्लस में हो जाता है, और प्लस जो होता है वो माइनस में हो जाता है। तो ये ट्रांसपोज करने पर ये प्लस में 8 हो गया, और जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8/3। इसका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए बच्चों, मेरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा इसको रफ करते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, आपके सामने अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है तो उसको कैसे सॉल्व करोगे। पहले 9x को ऐसे राइट करेंगे, प्लस 5 को भी ऐसे राइट करेंगे, और यहाँ पर ये ब्रेकर से पहले 4 लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई में माना जाता है, तो मल्टीप्लाई में इस सारी संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का x में करेंगे, 4x आएगा माइनस 4 × 2 = 8 आ जाएगा, प्लस 8, 4 को मल्टीप्लाई बस यहाँ तक करेंगे, ये इसमें नहीं करेंगे। अब 8 से 8 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 9x प्लस में है, ट्रांसपोज करने पर ये माइनस में हो जाएगा 4x। नंबर को प्लस की तरफ ले जाएंगे, ये प्लस में है, नंबर को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 5, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का। अब 9x में से 4x जाएगा, 9x से 4x को जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5x, 5x इक्वल टू माइनस का 5। x का मान जब निकालेंगे, माइनस का 5 अपान में 5, 5 × 1 = 5, एक्स का जो मान आया वो माइनस का 1 आ गया, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप अगर आप ऐसे प्रश्नों को देखेंगे और अगर आप मेरे वीडियो को देखे रहेंगे तो बड़ी आसानी से आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मेरा बेटा,
अगला इस प्रकार से प्रश्न दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसे थोड़ा बड़े लेवल से लिया जा रहा है, इसको थोड़ा रफ कर रहे हैं। इसके बाद में मेरा क्वेश्चन अगला इस प्रकार दिया जाएगा आपके सामने। अगर ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो बच्चों आप कैसे सॉल्व करोगे? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वैसे ही बताने चल रहे हैं। पहले क्या करना है बेटा, इसका आपको यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 का मल्टीप्लाई करना है। 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 4x आ जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 4 का 3 में करेंगे तो 12 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर माइनस है। अब माइनस से मल्टीप्लाई करने पर चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, यानी ये प्लस में है, माइनस में करेंगे तो माइनस आया। 2 का x में करेंगे 2x आ जाएगा, माइनस का माइनस में करेंगे प्लस आएगा, और 2 × 2 आ गया। इक्वल टू में जो दिया गया है वैसे हम इसको राइट कर लिए। अब यहाँ पर 4x प्लस का माइनस का 2x सबट्रैक्ट करके लिखेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x। 4x से 2x को सबट्रैक्ट कर दिए, आ गया 2x। ये प्लस का 12, ये प्लस का 2, ऐड करने पर हो गया 14 इक्वल टू, यहाँ पर आया 3x प्लस का 3। अब ट्रांसपोज करना x को वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ। अब यहाँ पर 2x है, ये प्लस में है, ट्रांसपोज करने पर माइनस में 3x आ जाएगा इक्वल टू। नंबर का ट्रांसपोज करेंगे, वहाँ पर ऑलरेडी 3 था, प्लस में है, माइनस में आ जाएगा 14। अब 2x से कह दिया जाए 3x को सेपरेट करो, ये मुश्किल नहीं, नामुमकिन समझते होगे, लेकिन तरीका क्या होता बेटा, जो संख्या ज़्यादा होता है उससे सेपरेट कर देना है। 3x से 2x को सेपरेट करोगे, चिन्ह माइनस है तो माइनस का x आ जाएगा। वैसे 3 में से 14 नहीं सेपरेट करोगे, 14 से 3 करोगे, माइनस का 11 आ जाएगा। x इक्वल टू माइनस का 11 अपान में आ जाएगा, माइनस चिन्ह माइनस का 1 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 11। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं बच्चों, बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरे वीडियो को देखा, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किया तो अपने बच्चों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मेरा आपका प्यार चाहिए। अगर ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं धमाकेदार, तो आप क्या करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करिए। शुक्रिया मेरे बच्चों।